अच्छा हम बात करेंगे फ्यूचर की, कि हम फ्यूचर में हमें कोई प्लानिंग करनी है, कल हमें कहीं जाना है, संडे को ये काम करना है, मंडे को ये काम करना है, अगले वर्ष हमें घूमने जाना है, इन सभी सेंटेंसों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके लिए हम फ्यूचर टेंस का सहारा ज़रूर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो भी काम करेंगे फ्यूचर में करेंगे। तो आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही फिनिश कर लिए हैं। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ फ्यूचर की। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म, राइट? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गाइज मैं चलता हूँ, आप बताता हूँ आपको कि फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस है हमारा, क्योंकि मैं टेंस के बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक टेंस की वीडियो है करीब एक घंटे की मेरी, उसके अंदर बता चुका हूँ कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन तरह के टेंस होते हैं और उसके अंदर भी सेंटेंसेस होते हैं, उनके टाइप होते हैं सारे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। इसके अंदर देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है और किस क्या कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। देखिए फ्यूचर के अंदर जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में केवल और केवल आपके बिल और सेल का यूज होता है, बस इतना समझिएगा। कोई भी ऐसा नहीं है इज आर एम हैज हैव डिड, कोई सेंस नहीं है सब चीज़ों का, केवल विल और सेल का यूज होगा, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम बात करेंगे आज की बिल का सेल, बिल का यूज कहाँ होगा, सेल का यूज कहाँ होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी जो फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर है वो है किस तरीके से है। सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, राइट? अभी आप कह रहे होंगे कि सर इसके साथ में सेल और होना चाहिए था, राइट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके साथ में सेल होना चाहिए। तो मैं आपको लेकिन बता दूंगा गाइस कि सेल कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, इसके बारे में हम अभी मैं आपको बता दूं कि सेल का यूज पहले ग्रामर में आई और बी के साथ होता था। किसके साथ होता था? आई और वी के साथ होता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें सेल का यूज नहीं होता है, केवल बिल का यूज होता है। किसका होता है? बिल का यूज होता है। तो हम इसमें केवल हम बिल का यूज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? आपको सेल का यूज नहीं करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सेल मुझे बोलना ही बोलना है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट रास्ता बता दूंगा किस तरीके से हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम क्या पढ़ते थे कि आई और बी के साथ सेल लगाते थे और रेस्ट और सबके साथ में विल लगाते हैं। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, आपको फ्यूचर इंडेफिनेट का कोई भी टेंस जब बनाएंगे तो आपको विल के साथ बनाना है, ठीक है? मैं मॉडल में आप मुझे मॉडल पढ़ाऊंगा आपको मॉडल्स, तो उसके अंदर मैं बिल और सेल का पर्टिकुलर यूज लेके आऊंगा अलग अलग, क्योंकि सेल के काफ़ी यूज हैं और विल के भी काफ़ी यूज हैं, ठीक है? वहाँ मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ गाइस। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें तो हमें पता है कि सर बिल के बाद नॉट लगा दो, और इंट्रोगेटिव की भी पता है हमें कि सब्जेक्ट से पहले इंट्रो टाइम वर्ड लगा दो, जैसे विल लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको आठ टेंसेस करा चुका हूँ पहले ही और उसमें स्ट्रक्चर सेम चलता है। और देखिए जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, यही होता है। डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड हो, वॉच, वाय, हाउ, वे आर, वैन, तो क्या लगाना है आपको? जो हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी हमारी, ठीक है? और जो नॉट वाली बात करेंगे तो सेम कंडीशन रहेगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं, ठीक है, रेगुलर आप भी वॉच करते हैं वीडियो को, तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा पहले से किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? और देखिए ये स्पेशल केस है, इसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना? तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर है इधर साइड का, ये सेंटेंस है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं। तो गाइज सिर्फ बिल का यूज़ करना है आपको, ठीक है? बाकी वर्ब का यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें बिल और सेल का यूज होता था पहले, और अब केवल बिल का यूज होता है, तो हम बिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं कल अमेरिका जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं आगरा जाऊंगा, कल मैं मुंबई जाऊंगा। आप जहां जाओगे तो सिर्फ आपको जाने की पता होना चाहिए गो, जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम, और सिर्फ आई, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ बिल लगाना है, ठीक है? तो मैंने लगाया आई विल गो टू अमेरिका टुमारो, मैं कल अमेरिका जाऊँगा, ठीक है? अब बात ये आती है कि सर आई के साथ तो सेल आता है, तो इसकी भी मैं आपको टेंशन खत्म कर देता हूँ। आगे आई हो, ही हो, सी हो, बिल, सेल, आपको बिल सेल बोलना ही नहीं है, आगे वाला अपने आप समझे क्या बोला है आपने। कैसे? आपको इसको इस तरीके से यूज करना है। कैसे? इस तरीके से। कैसे? जैसे कि मैंने बताया आइल, तो आइल यानी कि आई बिल, पता नहीं चल रहा ना आई सेल है या आई बिल है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इस समय,
पता चल रहा है आपको? नहीं, सिर्फ आइल बोलना है हमें, तो पता ही नहीं चलेगा सेल है या विल है। हिल, सिल, यूल, ये सब हम सिर्फ इल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इल, ये वाला इल। अब मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ कि सी विल नॉट कुक द फूड इन इवनिंग, वो शाम को खाना नहीं बनाएगी। यानी कि शाम की बात कर रहे हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं? सी। सी के साथ ही बिल लग गया यहाँ पर, और इसके बाद नॉट आ गया, तो वो शाम को खाना नहीं बनाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इंटोगेटिव की। इंटोगेटिव में क्या है कि हमें बिल पहले ले लिया, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए ये कार खरीदूंगा, मैं अपने बेटे के लिए कार खरीदूंगा, कैसे बोलेंगे? बिल, मैं खरीदूंगा, खरीदूंगा। लेकिन आप जब किसी से पूछोगे क्या तुम अपने बेटे के लिए कार खरीदोगे, तो कैसे बोलोगे कि बिल यू बाय दिस कार फॉर योर सन? तो बिल यू बाय दिस कार फॉर योर सन, क्या अपने बेटे के लिए आप ये कार खरीदोगे? चलिए अब हम बात कर लेंगे कि भाई नहीं खरीदेंगे। अगर नॉट की बात करते हैं हम, तो नॉट के लिए उन्होंने नया सेंटेंस लिया। मैंने कहा कि क्या वह कल, क्या वह संडे को ऑफिस नहीं आएगा, क्योंकि संडे ऑफ रहता है। तो ही विल ही नॉट कम टू ऑफिस ऑन संडे, क्या वो संडे को ऑफिस नहीं आएगा? ठीक है, इंटोगेटिव हो गया यहाँ तक। अब ले लेते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स कि किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप करोगे क्या जीवन में अपने में, तो वो इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या करोगे। व्हाट क्यों आया? क्योंकि हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, या इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया सकता। जैसे इसमें कहा जा सकता है क्या अपने बेटे के लिए आप कार खरीदोगे, यस या नो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, तो उसका आंसर आपको ब्रीफली देना पड़ेगा कि आई विल गेट जॉब, आई विल गेट गवर्नमेंट जॉब, आई विल डू बिजनेस, जो भी है, व्हाट एवर व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, व्हाई विल योर सिस्टर नॉट कम ऑन दिस रक्षाबंधन, क्या आपकी बहन इस रक्षाबंधन पर क्यों नहीं आएगी? ये डब्ल्यू एस वर्ड के साथ में नॉट भी है। अब एक्चुअल रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसी हिसाब से मैं एक सेंटेंस किया कि आपकी बहन इस रक्षाबंधन पर क्यों नहीं आएगी, तो वाई विल योर सिस्टर नॉट कम ऑन दिस रक्षाबंधन। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्पेशल केस की, जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। मैंने कहा कि कल कौन कौन मेरे साथ चलेगा, कल कौन कौन मेरे साथ चलेगा। अब बात ये रही कौन कौन की क्या बनेंगे, कौन कौन की बनेगी हु ऑल, हु ऑल कौन कौन, बिल। अब यहाँ पर सोचना तो है नहीं कि प्लूरल है या सिंगुलर है, सिर्फ बिल लगाना है हमें। तो हु ऑल विल गो विद मी टुमारो, हु ऑल विल गो विद मी टुमारो, मेरे साथ कल कौन कौन चलेगा, राइट। अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे कि आज रात यहाँ पर कौन रुकेगा, तो हु विल स्टे हियर टू नाइट, और आज रात यहाँ पर कौन नहीं रुकेगा, तो हु विल नॉट स्टे हियर टू नाइट, आज रात यहाँ कौन नहीं रुकेगा। तो ये इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हो गए। क्लियर गाइस। अब देखिए मैं आपको यहाँ भी बता दूँ थोड़ा सा कि जब सेल का यूज होता है, तो सेल का यूज परमिशन के लिए होता है, कोई सजेशन के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि सेल बी डांस, क्या हम डांस करें? अगर कोई डांस टीचर है, आप क्लास में हैं, तो आप अपने टीचर से बोल रहे हैं कि सेल बी डांस, क्या हम डांस करें? सेल आई गो, क्या मैं जाऊँ? सेल आई कम, क्या मैं आऊँ? सेल आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी लूँ? सेल बी गो नाउ, क्या अब हम चलें? ये सब क्या है? परमिशन ले रहे हैं आप, परमिशन ले रहे हैं तो सेल का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर बिल का यूज नहीं करना है। कुछ केसेस मैंने बता दिए हैं आपको अभी, सेल के सेल और बिल के साथ, मतलब बिल के साथ में मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे कि आप ये ना कहें कि सर सेल का यूज़ तो हुआ ही नहीं। सेल का यूज गाइज आजकल इस जगह होने लगा है, और उसका मैं आपको प्रॉपर यूज तब बताऊँगा जब मैं मॉडल कराऊँगा। ठीक है, जैसे कि आई सेल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है, वी सेल नॉट कम हेयर, वी सेल नॉट कम हेयर, हम यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे। वेयर सेल वी मीट, हम कहाँ मिलें, हम कहाँ मिलेंगे, या फिर हम कहाँ मिलें। इन सब तरीकों में हमारा यूज होता है सेल का, और बाकी सब में होता है बिल का। तो जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात आएगी, सिर्फ आप बिल का यूज करेंगे, बाकी का कुछ यूज नहीं करना है आपको। सेल का यूज प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि परमिशन वगैरह लेने के लिए आपको सेल का यूज किया जाता है। चलिए गाइस, दो सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया है सेंटेंस को हिंदी में, लेकिन आप घबराइए मत, इंग्लिश में बहुत छोटा सा हो जाएगा। कैसे? कि आज रात में मूवी देखने अपने परिवार के साथ पी वी आर सिनेमा में जाऊँगा, तो कहाँ जाऊँगा? पी वी आर सिनेमा में। क्या करने? मूवी देखने। कब? आज रात। तो कौन जाएगा? मैं। तो कैसे बोलेंगे हम? आइल
आई गो टू वॉच मूवी इन पीवीआर सिनेमा विद माई फैमिली टू नाइट. आज मैं रात अपने फैमिली के साथ पीवीआर सिनेमा मूवी देखने जाऊंगा. राइट. अब देखिए दूसरा सेंटेंस, सबसे पहले वो तैयारी करेगा फिर वो मुझसे शादी करेगा. कोई लड़की ये कह रही है कि वो पहले तैयारी करेगा गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद मुझसे वो शादी करेगा. तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे और आप बना करके कॉमेंट में मुझे डालोगे. ठीक है ना. अगर आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया है तो आप इजीली बना सकते हो. इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप सभी. ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आई होप. तो आपको ये सेंटेंस बना करके कमेंट में मुझे सेंड करना है और जिसका भी ठीक होगा मैं उसको कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा. और अगर नहीं भी होता है तो डोंट वरी, मैं इसकी प्रैक्टिस भी लेके आ रहा हूँ. ठीक है ना. तब तक आप इस स्ट्रक्चर को समझें. इसके बाद में मैं ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस लेके आऊँगा विल से रिगार्डिंग या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के रिगार्डिंग, जिसमें आपके टेंस सेंटेंसेस सभी क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि इसकी हम मैं सोच रहा हूँ कि दो क्लासेस लेके आऊँ प्रैक्टिस की, क्योंकि ज़्यादातर हम सेंटेंस इस तरीके से बोलते हैं. तो ठीक है गाइज, तो अगर आपके समझ में आ चुका है कम्प्लीटली तो आप रेडी रहिए प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है. और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस के साथ. ठीक है गाइज, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.